गोंडा थाना कटरा में दबंगों द्वारा पीड़ित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की पत्नी को बहला फुसलाकर आशनाई की नियत भगा ले जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जनपद गोंडा के थाना कटरा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदैया मजरा समद्रियन पूर्वा में पीड़ित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने स्थानीय थाने में थाना प्रभारी निरीक्षक को पूरे मामले से अवगत कराते हुए दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध हेतु पीड़ित ने कटरा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने दबंगों द्वारा जबरन पत्नी को भगा ले जाने का लगाया गंभीर आरोप। पीड़ित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा, दबंगों के विरुद्ध नामजद दबंगों का नाम सुधीर कुमार शुक्ल पुत्र देवेंद्र शुक्ला निवासी लालपुर, पहलवान पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी समदरियन पूर्वा के कार्रवाई करने के लिए 25 मई को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसमें कटरा पुलिस द्वारा अभी तक दबंग अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के संबंध हेतु कटरा पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई कर मिसाल कायम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने मद्देनजर प्रदेश सरकार भ्रष्ट अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में वचनबद्ध है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर महिलाओं को सशक्त कर जागरूक करने के संबंध हेतु दिशा निर्देश नियम निर्देशित किए। वहीं दूसरी तरफ जनपद गोंडा के थाना क्षेत्र कटरा बाजार में कटरा पुलिस के घोर लापरवाही के चलते ही दबंगों का महिलाओं को भगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे दबंगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। थाना कटरा बाजार के कटरा पुलिस ने महिला सशक्तिकरण के दिशा निर्देश नियमों को ठंडे बक्से में बंद कर सभी नियमों को ताक पर रखकर सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। अब देखना है कि थाना प्रभारी निरीक्षक दबंगों के ऐसे रवैयों को देखते हुए क्या एक्शन लेते हैं। क्या नाम है? राजीव प्रसाद शुक्ला जी। तो शुक्ला जी, क्या मामला है आपका पूरा? हमारा मामला है भैया, हमारी औरत 25 मई को गायब हो गई थी चौरी चौराहे से। हाँ, वो जा रहा थी रिश्तेदारी में, निमंत्रण था तो जो अपने घर बैठते बैठते थे, हाँ उन्हीं लोगों का हाथ है उसमें, अपना वो अपने रास्ते में बिठा ले गए। लॉकडाउन का मामला चल रहा था, किसी के वो मोटरसाइकिल पे नहीं बैठे थे, लेकिन जो आता जाता था बैठता था। हाँ, उन्हीं का कहना है मामला किया, तो पहले मेरे को नहीं है सब पता था, तो गुमशुदी में रिपोर्ट किया था। उसके बाद जब वो आना जाना मेरे घर बंद कर दिए, तो हमको पता चला कि उन्हीं ने तालका थी, तो इन्हीं लोगों का करामात है, तो हमने फिर नामजद कर दिया। किस थाने में आपने FIR किया है? कटरा थाने। कटरा थाने में तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जो जी साहब गए सिपाही लोग, बताओ दो दिन सिपाही गए घूम टहल के अपने चले आए, उनको पकड़ा नहीं। सिपाही कौन गया था, जान का नाम है? देवनाथ सिपाही। अच्छा, देवनाथ सिपाही। तो ये बताइए कि मतलब नामजद आपने किसी को किया इसमें? हाँ, नामजद हैं। कौन है? सुधीर शुक्ला, आप नाम देवेंद्र शुक्ला, ग्राम लालपुर। तो इनको अभी पुलिस ने पकड़ा नहीं अभी तक? अभी नहीं पकड़ा। एक पहलवान है हमारे गाँव का है, उसका पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण, ये भदैया का रहने वाला संदरिया पुरवा। थाने पर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है साहब, कई दिन से दौड़ रहे हैं। इस विषय में आपने जिले के कोई अधिकारियों से संपर्क किया? जिले के अधिकारी से साहब सीओ साहब से किया था कंडेरगंज, हाँ तो अपने जो लिखित में कुछ दिए थे कटरा थाने में, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो गई साहब।